सुबह दादा है गायत्री जी। गायत्री जी आप क्या करते हो? मतलब आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो? तो जॉब करते हैं। आप जॉब करते हो, कहाँ पे जॉब करते हो? इंस्टीट्यूट में एडमिन। एज अ एडमिन जॉब करते हो। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, मेमोरी मास्टरी एंड स्टूडेंट एनएलपी वाला? एक तो वैसा ऑफिस में कैसा हमें नोट जो कुछ ना और जो ट्रेनर के लिए हमारे जो यूजफुल है ज़्यादा ट्रेनर के लिए और कुछ मीटिंग एजेंडा होता है जो डेली का हमारा होता है उसके लिए और कुछ नंबर्स होते हैं ट्रेनर के और बाकी मेरा जो बच्चे के लिए जो मैं ट्रैक ये तो राइट, तो एज अ पेरेंट आपने सोचा कि आप खुद भी सीखेंगे, आपके लिए भी यूजफुल होगा और अपने बेटे को भी सिखाएंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? ये 30 डेज का जो जर्नी था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस हुआ मेरा इसका। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये वर्कशॉप का? जो टेक्निक जो आपने सिखाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग भूल जाते हैं नंबर्स और कुछ टॉपिक्स अगर जब हमारे टाइम था टॉपिक जो हम लोग भूल जाते थे तो जो आपने जो टेक्निक सिखाया है वो बहुत यूजफुल है तो आपका फेवरेट टेक्निक कौन सा है? मेरा नेम मेमोराइजिंग नहीं, और आप नाम कैसे मेमोराइज कर सकते हो? वो आपने काफी सारे बर्थ डेट्स भी मेमोराइज कर लिए, तो हाँ। आपको लगा था आप इतने सारे बर्थ डेट्स एक बार सुन के आपको सब याद हो जाएंगे? कभी नहीं कभी नहीं लगा था लेकिन ये नहीं लगा टेक्निक था, मैंने आपने आपने जो सीखा है तो मैं कर सकती हूँ सबका बट बर्थडे याद अभी रख आप सबके बर्थ डेट्स याद रख सकते हो? हाँ रख सकती हूँ मैं रख सकते हो, हाँ। ओके गुड। और वो 30 डेज चैलेंज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो भी अच्छा है विल पावर जो मेरा डे टू डे जो मेरे अगर मैं वो 30 डेज में सुन रही हूँ जो तो विल पावर के लिए मैं बहुत काफी इफेक्ट हो रहा है इसमें। तो आपको लगता है कि आप अपने बेटे को ये सब सिखा सकती हो? हाँ मैं सिखा सकती हूँ इसीलिए मैंने ये किया क्लास ज्वाइन किया स्पेशली मेरा और मेरे बच्चे के लिए। अगर उसका हो गया तो मैं बाकी जन को भी सिखा सकती हूँ। ग्रेट। या ये काफी लोग करते हैं हमारे वर्कशॉप में आने वाले, खुद सीखते हैं और बाद में, जैसे आपने देखा था संजीवनी मैडम जो सोलापुर से है, तो वो खुद सीखने आई, सीखी और बाद में उन्होंने खुद का इंस्टीट्यूट भी शुरू किया। तो हमारे साथ ऐसे भी लोग आते हैं जो सीख के बाद में खुद का इंस्टीट्यूट भी शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना चाहते हो, और हम लोग आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ये कोर्स किस किस के लिए है, कौन लोग बेनिफिट हो सकता है? सबके लिए सबके लिए ऐसा नहीं किसी के लिए ये सब पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो एम्प्लॉय सबके लिए कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर फीडबैक। थैंक यू सर।